don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. वेलकम फीचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बोश कंपनी का हैंड प्लेनर लेके आऊँ। ये प्रोफेशनल प्लेनर है जिसका मॉडल नंबर है GHO2682D। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है। दोस्तों ये दोनों तरीके से काम करता है, एक तो हैंड प्लेनर का भी काम करता है, एक तो सरफेस प्लेनर का भी काम करता है। और दोस्तों जोन सा मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी है। और दोस्तों जोन सा इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 10,000 का रखा। वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों शुरू में क्या है, ये हमें बुक मिलती है, यानी कि इसका जो सा सर्विस सेंटर है इसके बारे में सब कुछ बता रखा है। और दोस्तों इसकी कंपनी 6 महीने की वारंटी देती है। और दोस्तों इसके अंदर मैनुअल बुक मिलती है जिसके अंदर पूरी गाइडेंस दी होती है, इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक हमें ये डस्ट कनेक्टर बैग मिलता है जिसके अंदर डस्ट वगैरह हमारी इसके अंदर आ जाती है। और ये हमारा इसके साथ एक प्लेनर है जिसकी वेट की बात करें 2 किलो 600 ग्राम इसका वेट होने वाला है। और दोस्तों इसके साथ एक डस्ट कनेक्टर मिलता है, यानी कि लेफ्ट और राइट में आप दोनों तरफ लगा सकते हो इसको। और दोस्तों एक इसके साथ हमें ये पैनल गाइड मिलती है, बाकी ये इसका सामान है, बाकी फिट करते हैं इसके फिर बताते हैं। दोस्तों जैसे कि सभी कारपेंटर भाइयों को पता होगा जो सी बोश की कंपनी है, जर्मन का ब्रांड है। और दोस्तों इसकी हम जो सी वाट की बात करें 710 वाट है। और दोस्तों इसके आरपीएम है जो से 18,000, इसके आरपीएम है 1 मिनट में 18,000 बार जो चक्कर लगा सकता है। और ये देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त है। और जो सी इसकी मोटर है ये कॉपर बाइंडिंग है। और जो से इसके ब्रश है ये बाहर बाहर से लग जाते हैं, ये नहीं कि हमके अंदर से इसके ब्रश वगैरह खोल के लगाने पड़ेंगे। और दोस्तों जो सी इसके साथ हमें वायर मिलती है वो भी कॉपर वायर मिलती है। और टू पिन का इसमें सॉकेट लगा हुआ है, ये नहीं है कि पावर का दिक्कत नहीं, आम प्लगों में ये लग जाएगा। 4 मीटर की इसकी वायर मिलती है। और दोस्तों वेट की बात करें 2 किलो 600 ग्राम इसका वेट है। और जो सी डेप्थ कटिंग है इसकी 0 से लेके 2.5 mm तक है। और दोस्तों इसके यानी कि दोनों तरफ बुरादा निकलता है, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ इसका बुरादा निकलता है। ये देखिए ये हमें इन्होंने बैग भी दे रखा है कि कहीं भी साइड वगैरह पर जाते हैं, किसी के घर में वगैरह में हम काम करते हो डस्ट नहीं होगी तो इसको हम लगा सकते हैं, दोनों तरफ लगा सकते हैं। यहाँ से इसका अगर लेफ्ट में करना है राइट में करना है दोनों तरफ हो सकता है। और इसके साथ इन्होंने डस्ट कनेक्टर भी दे रखा है, आप इसको फिट करके तो अपने वैक्यूम में भी आप इसको ज्वाइंट कर सकते हो। और दोस्तों इसकी हम अगर डेप्थ गेज की बात करें, ये कटिंग कितना करता है, 0 से लेके 2.5 mm तक ये कटिंग करता है। आम उसमें प्लेनर में क्या होता था, ये हमारा अंदर की तरफ जाता था, इसमें क्या होता है स्लाइड हो रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से स्लाइड हो जाता है। और दोस्तों जो से इसका ब्लेड है तो ये 22 mm का पड़ता है। जो सी इसकी बेस प्लेट है ये हमारी पड़ती है 3 इंची की ऐसे पड़ती है और 11.5 इंची की ऐसे पड़ती है। और इसके अंदर चैम्फरिंग के लिए उन्होंने एक ही दे रखा है। और ये हमारा पार्किंग शू है, ये पार्किंग शू इसलिए कभी भी हमारा जैसे ऑन रहता है नीचे लगता है तो नीचे की चीज़ हमारी डैमेज नहीं होगी। और दोस्तों इन्होंने ब्रांडिंग बड़ी अच्छी कर रखी है शुरू में, ये देखिए बोश की इन्होंने इधर ब्रांडिंग कर रखी है। और हमें इसके साथ एक की मिलती है, की भी इन्होंने इसके अंदर ही डाल रखी है क्योंकि हमारी गुम ना हो, ये देखिए जिसके साथ हम ब्लेड वगैरह खोल सकते हैं फिर इसके अंदर का। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको ये 2 तरीके से काम करेगा, यानी कि इसके इधर भी लग जाएगी इधर भी आपकी लग जाएगी, ये देखिए ये आपकी दोनों तरफ से फिट है। ये हमारा ऐसे भी चलेगा और ऐसे भी चलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा अगर वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहोगे। और दोस्तों इसको पकड़ने का यानी कि इतना बढ़िया इनके यहाँ पर इन्होंने रबड़ लगा रखी है, ना कि प्लास्टिक है लगा रखी है। और इसके अंदर हल्के हल्के से बबल से इन्होंने बना रखे जिससे कि पसीना वगैरह भी आए तो हमारा हाथ इसमें स्लिप ना हो। और दोस्तों इसका बॉडी बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त है और इसके अंदर यूज एंड थ्रो वाला ब्लेड लगा हुआ है। सबसे बढ़िया बात तो ये है इसका कभी भी यानी कि बैलेंस नहीं बिगड़ा। आम कट में ऐसे दूसरे वाले ब्लेडों में क्या होता था हमारा बैलेंस बिगड़ जाता था, यानी कि धार हमारी उल्टी सीधी लग जाती थी। इसके अंदर क्या है आपको दोनों तरफ इस ब्लेड में धार लगी होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसमें दोनों तरफ हमारी धार लगी होती है यानी कि हमें खुद लगानी नहीं पड़ती क्योंकि तो इसका बैलेंस बड़ा 0-0 रहता है। आम उन ब्लेडों में क्या होता है, ये देखिए ये ऐसे ब्लेड आएंगे कि इनकी दोनों तरफ धार है लगी हुई तो इसका साउंड भी यानी कि एक जैसा रहेगा और ना ऐसा कभी झटका मारेगा जैसे हम चलाएंगे। बाकी मैं इसके वर्किंग करके आपको दिखाता हूं।
सबसे पहले हम अपनी गाइड प्लेट को फिट करेंगे। गाइड प्लेट हमारी इस तरीके से फिट होगी और जो चारों तरफ हमारी गाइड प्लेट फिट हो जाती है, इन्होंने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है। इसको टाइट कर लेना, इसको लूज नहीं छोड़ना आपने। और ये इस तरीके से फिट होगी इसके अंदर से, ये हमारा ऊपर से लगेगा और जो सा बटरफ्लाई वाला है हमारा ये नीचे से लगेगा, इस तरीके से लगेगा। आप ये मत सोचना ये आपको दिक्कत देगा, क्योंकि इसकी बेस प्लेट की जो सी ये है इसमें कवर कर लेगी। ये इस तरीके से जितना भी आपने करना हो उस तरीके से आप लूज आगे पीछे जाके इसको कर सकते हो। और दोस्तों एक सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने जो सी वायर का पीछे दे रखा है, ये देखो बोल वाला सिस्टम है, ये आपको नज़र भी आ रही, तो ये फिक्स रहता था हमारी, कई बार क्या होती थी वायर यहाँ से क्रैक हो जाती है, यहाँ से क्रैक हो जाए। ये इन्होंने जो सी इसके ऊपर ये स्लीप भी चढ़ाई है, बड़ी यानी कि हैवी ड्यूटी चढ़ाई है। और ये देखिए मैं इधर को जिधर को करूँगा अपने आप अपना ये शेप ले लेता वायर का। हाँ दोस्तों इसकी थोड़ी वाट की बात कर ले, वाट है जो सा इसका 710 वाट है और दोस्तों आरपीएम है इसके 18000। ये देखिए इसकी प्लेनर की फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त होगी, बाकी मैं वीडियो में आपको दिखाई दूंगा। दोस्तों ये आपका बैग दोनों तरफ लग जाता है, जैसे मैंने इधर की तरफ राइट हैंड में भी लगा लिया और जो लेफ्ट की तरफ भी लग जाएगा, ये देखिए इधर भी लग जाएगा। यानी कि इससे ये हम किसी के घर वगैरह में भी जाते हैं तो डस्ट वगैरह नहीं होगी, तो इसको लगा के हम काम कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको दूसरी तरीके से फिट करके दिखाता हूँ, इस तरीके से कैसे फिट होगा। दोस्तों सरफेस प्लेनर के लिए ये हमने जुगाड़ बना रखा है, जैसे हैंड के साथ हम काम करते करते थक जाते हैं, दोस्तों बड़ा सस्ता जुगाड़ बन जाता है ये सारा। मेरे ख्याल 600 रुपये में मेरा तैयार हो गया, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। ये मैंने 1 इंची की पत्ती ली है, वेल्डिंग करवाई है, तो ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल 2.5 फुट के करीब इसके अंदर पत्ती लगी है और 50-60 रुपये वेल्डिंग करने वाले ने लिए। और दोस्तों हम इसको फिट कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हम अपना फिट कर लेंगे इसको। और इसको फिट करने से पहले आपने क्या करना है, इसका स्विच ऑफ कर लेना है, ये नहीं कि आप ऑन करके रखना है। दोस्तों ये हमारी फिटिंग हो चुकी है, अब क्या करेंगे इसके ऊपर मैं आपको रंदाई करके दिखाऊंगा, रंदाई किस तरीके से करनी है। तो क्योंकि दोस्तों जब हम रंदाई करेंगे तो हमें राइट एंगल की भी समस्या रहेगी, तो ये मैंने इस तरीके से कर रखे, ये मैंने 1-1 इंची के करीब ऊपर रखे हुए हैं। ये क्या करेंगे हम इस तरीके से इसके अंदर फिट कर लेंगे, ये देखिए ये हमने जुगाड़ बना रखा है, ये देखिए ये इस तरीके से फिट कर लेंगे। इसके साथ क्या होगा, हमें राइट एंगल में कोई दिक्कत नहीं होगी करने में, तो राइट एंगल तो अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि ये पत्तियाँ ही है, देसी जुगाड़ है, तो अपने हिसाब से इसको राइट एंगल में कर सकते हो। ये देखिए पूरा पूरा राइट एंगल में है, क्योंकि ये मैंने पहले सही कर लिया था, तो मैं क्या वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं। ये मैंने ऑन ऑफ का स्विच ऊपर रख लिया है, तो ये देखिए राइट एंगल कितनी ज़बरदस्त हो गया। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको हैंड से ही काम करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये देखो मैं इस पर चैम्फरिंग करके दिखाता हूँ आपको, ये आपको व्हाइट वुड है शायद नजर ना आए, मैं थोड़ा सा टीक का वुड लेता हूँ उस पर करके दिखाता हूँ।
दोस्तों सबसे इसकी बढ़िया बात क्या है स्प्लिनर की है, जैसे शुरू की वीडियो शुरू में भी मैंने बताया था कि इनके TCT ब्लेड होता है, यानी कि यूज एंड थ्रो वाला ब्लेड है। इसका जो सा ड्रम है, आम ड्रम जो से हमारे अल्मूनियम के होते हैं, ये ड्रम ऐसा नहीं है, ये ड्रम थोड़ा सा इन्होंने अलग टाइप का बनाया, जैसे हमारी अपने मोटर वगैरह की स्टैंपिंग वगैरह नहीं होती जोड़ के हम बनाते, जो उस टाइप का इन्होंने बना रहा है। और इसका साउंड बहुत कम है, आम जितने भी हमारे प्लेनर वगैरह होते हैं ना, जैसे इस गली में चल रहा है ना तो 3-4 गलियों में पीछे आवाज़ आती है, यानी कि इससे कानों को डिस्टर्ब वगैरह नहीं होगी, काफ़ी साउंड बहुत अच्छा है। और इसके अंदर ब्लेड एक ही डलता है, और इसके अंदर आप शीशम जैसे हार्डवुड होगी, पाइन वुड होगी, अब मेरे पास कीकर का भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। इसका बॉडी बैलेंस इतना अच्छा है कि ऐसे ऐसे करते नहीं तो आमतौर पर हमें झटका पड़ता है, वो झटका इसलिए पड़ता है हम जो सी ब्लेडों की धार एकदम ख़राब कर देते हैं, इसकी जब धार ही नहीं हाथ से लगेगी, ऑटोमेटिक मशीनों से धार लग के आती है CNC से, तो इसका बॉडी बैलेंस बड़ा जीरो रहेगा। इसका जो सा बैरिंग का और जो सर इसका जो सी लाइफ टाइम गारंटी काफ़ी टाइम तक चलेगी। दोस्तों जो से मैं बोश के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दूसरों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मेरे का 83 से काम कर रहा था, मेरे फादर का मकीता या बोश का होता, उस टाइम बोश का जो सा होता था बाहर से लाए थे, वो मेड इन जापान होता, आजकल तो मलेशिया चाइना, क्योंकि है तो बोश की ही कंपनी, ब्रांडिंग तो वही है, यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलते हैं। अब मैं इसके ऊपर आपको किकर के ऊपर रंदा लगा के दिखाता हूँ, जिसको हम बबूल की लकड़ बोलते हैं। और दोस्तों इसकी जो सी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इन जो से प्लेनर में पुट वगैरह आमतौर पर क्या होता है, हम रंदा वगैरह लगाते हैं, उसके बाद गुट के रंदे से हमें फाइनल करना पड़ता है, क्योंकि पुट आ जाती है। इसके अंदर देखो आप फिनिशिंग इस तरीके से आई है, बिल्कुल भी पुट नहीं है, सिर्फ आप रेगमल मारो आपका काम बिल्कुल फाइनल है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बोश कंपनी के जितने भी प्लेनर आते हैं, जो उनके साथ आपको ये वाला बैग नहीं मिलता, डस्टिंग बैग नहीं मिलता, तो इसी के अंदर ये इन्होंने दे रखा, ये देखिए मैंने लगा रखा था, इसके अंदर डस्ट कितनी आ गई है, इसको आपने चैन के साथ कैरी किया, ये देखिए। इसका ये फायदा, आप कहीं भी बाहर जाते हो काम करने के लिए, किसी के घर पर जाते हो तो वहाँ गंद नहीं पड़ेगा, तो यही सोचेंगे भी कितना कारपेंटर एडवांस है ये। दोस्तों इस प्लेनर की मैंने सारी आपको डिटेल बता दी है, अगर किसी भाई को परचेज करना हो तो मैं वो भी बता दूँ, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, 9700 कुछ का था, क्योंकि इनका रेट अप डाउन होता रहता है, तो किसी भाई को अगर परचेज करना हो तो अमेजोन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हो। तो इस वाले प्लेनर की मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी, क्या क्या फंक्शन है, वैसे तो मैं इसको 2-in-1 ही कहूँगा, आपने देख भी लिया ये 2-in-1 कैसे है। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एक मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।